दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑटो का लेटेस्ट जानकारी जो आपको अभी तक नहीं मिली होगी, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी उठ रहे हैं कि ऑटो पुल पहले आएंगे या फिर क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च होंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सारे डाउट भी क्लियर करने वाला और फिक्स डेट भी बताऊंगा ऑटो पुल कब आएगी और इसका सही समय क्या है। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च होने से पहले क्रिप्टोकरेंसी अभी आए या ना आए, लेकिन हमें ऑटो पुल अभी इसी साल देखने को मिलेगा और थर्ड राउंड का भी ऑटो पुल में देखने को मिलेगा। जिनका फर्स्ट आएगा सेकंड आएगा, जिनका सेकंड आएगा थर्ड आएगा, और इस प्रकार जितने भी रैंक वाले हैं सबके ऑटो पुल देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी जो भी रैंक अभी तक ऑटो पुल बाकी हैं सभी को वन बाई वन आने वाली है। सिस्टम का अपडेट के अनुसार मैं बता दूं दोस्तों, अभी कोई भी इसका ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया। कल या परसों को ऑफिशियल नोटिस आया था कि क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में जो काम अभी हो रही है, अभी इसमें समय लग सकता है। जहां तक मुझे उम्मीद है आप शायद से इस नोटिफिकेशन को देख भी लिए होंगे। मैं आपको दिलासा नहीं दिला रहा है, बल्कि एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कोई भी चांस नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी लॉन्च ना होता तो कब का लॉन्च हो गया होता। काफ़ी जो भी सीनियर लीडर हैं उनके द्वारा से भी बात की जा रही थी कि इस समय क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगा उस समय होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बता दूँ साथियों कि क्रिप्टो करेंसी अभी फिलहाल में लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि इसको लॉन्च होने में समय लगता है और बहुत सारी इसमें मेंटेनेंस पर काम होती है, टेक्निकल इशू हो जाती है बार बार। इस तरीके जितने भी संदर्भ में आती है चीज़ें, इनको अभी सेटल किया जाएगा तभी जाकर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी अभी फ़िलहाल में आए या ना आए, लेकिन हमें ऑटो पुल इसी साल देखने को मिलेंगे। और आप लोगों से एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि और इस बात को भी आप थोड़ी सी अहमियत देंगे, क्योंकि अब कुछ दिन के बाद भी इसमें अकाउंट लगना है चालू हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें अकाउंट लगना पड़वा ने बंद हो गया था जैसे आप सबको पता भी होगा। तो ये दोबारा फिर से रिस्टार्ट होने वाली है, और जो लोग भी अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं उनको आप अकाउंट लगाएं, उनको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी अकाउंट होल्डर बनाएं। अभी जो भी अकाउंट इसमें लग रहे हैं ओपन हो रहे हैं, वो पहले के अकाउंट है जो रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया गया था, एक्टिव नहीं किया गया था। जैसे आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन में डाउनलाइन में जाते हैं तो उसमें यूज़र जब आप ओपन करेंगे वहाँ पर एक्टिव अनएक्टिव नज़र आती है। वहाँ पर जो इनएक्टिव होती है दोस्तों, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होती है, ना ही उनका एक्टिव किया जाता है। जब आप 2250 यानी कि 30 डॉलर देने के बाद एक्टिव कर देंगे तब ये हो जाएगा एक्टिव में चले जाएंगे। लेकिन जो अभी केवल नाम और जो प्रकार की जो प्रक्रिया उसमें होती है उसको करने के बाद इसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही मानकर छोड़ दिया जाता है। इसको कभी भी आप यूज़ करके इसको एक्टिव आप कर सकते हैं। आई होप कि मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद पड़ने को लाइक करें, शेयर करें। अगर मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझसे पर्सनली बात करनी है तो आप कमेंट डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको सभी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएंगे। वीडियो एंड होने से पहले मैं बात आपसे बता देना चाहता हूँ साथियों कि अभी आप इधर उधर की बातों बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि पलवान फिर से जा रहा है इतिहास हंसने और